गुड मॉर्निंग क्लास 5th. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू चैप्टर ऑपरेशंस ऑन अ फ्रैक्शंस. ओके, इसमें फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज रिवाइज एक्सरसाइज है. देख लीजिए उसको. रिवाइज एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ऑफ इन प्रॉपर फ्रैक्शंस एज अ मिक्स फ्रैक्शन. यानी कि क्या करना है, इन प्रॉपर फ्रैक्शन को क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने. देखिए 10/7 है, ठीक है. अब 10/7 को मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, तो मैंने क्या किया, इसको 7 से 10 को डिवाइड कर दिया. ठीक, तो 7 × 7 तो आपका 10 × 7 गया 3. तो आपको मिक्स फ्रैक्शन बना, तो 3 whole 1/7 ये आपका मिक्स फ्रैक्शंस आ गया. ठीक, सेम आपका अगर इसी तरीके से और भी कोई क्वेश्चन हो, 18/5 इसको कैसे करेंगे, सेम इसमें भी ये करेंगे कि 5 को 18 से डिवाइड करेंगे. देखिए 5 × 5 5 × 2 10 5 3 15. तो 5 × 3 15, 8 × 5 − 3 1 × 1 = 0. तो 3 whole 3/5. ओके, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हुआ. अगर कहा जाता है आपसे कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग मिक्स फ्रैक्शन एज अ इम्प्रॉपर, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, तो कैसे करेंगे. देखिए मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसके बाद जो आता है उससे ऐड कर देते हैं. ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर से मिड, इसमें जो मिड का होता है इम्प्रॉपर में, उसको मल्टी मिक्स फ्रैक्शन कर लेते हैं, इसके बाद जो आता है उससे ऐड कर देते हैं. तो 3 × 2 = 6, 6 + 2 कितना होता है 8. ठीक, देखिए 8/3 जो आता है उसको लिख देते हैं. सेम एज इट इज़ इसमें भी करेंगे, 11 whole 4/5. तो 5 का पहले 11 में मल्टीप्लाई करेंगे, 40 कितना आएगा, 55 को 4 में ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 59/5. ठीक, तो यानी कि पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई मिक्स करते हैं, इसके बाद जो आता है उसको नॉमिनेटर में ऐड कर देते हैं. ठीक, तो देखिए इससे करें ऐसे मल्टीप्लाई, इसके बाद जो आएगा उससे ऐड कर देंगे, तो 59/5. ठीक, ओके बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. क्वेश्चन नंबर थ्री है राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब कि जो एक आपको टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताने हैं जो उसके उस फ्रैक्शन में. तो देखिए 1/6, अब 1/6 का इक्विवेलेंट यानी कि किससे ये और हो सकता है, मतलब इस तरीके का और किससे कि 1/6 ही है. तो देखिए 2/12 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है, देखिए 2 × 1 = 2 2 × 6 = 12 आ रहा है. 3/18 करेंगे तो ये भी देखिए इक्विवेलेंट, यानी कि 3 × 3 3 × 6 = 18. तो देखिए ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में आते हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 1/6 किस टाइप ऐसा करें कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर में कि आपका 1/6 अगेन उसी तरीके से जब आप कैंसिल करें तो आ जाए. तो 2/12 आ रहा है और 3/18 ऐसा है कि जब आप करेंगे तो यही आपका आएगा. ठीक है, तो इक्विवेलेंट आपका फ्रैक्शन हो गया. अब सी वाला भी देख लीजिए, इसी में है 3/5. तो 3/5 के ऐसे फ्रैक्शन करने हैं कि ये 3/5 है, तो 6/10 करेंगे तो आ जाएगा 2 × 3 = 6 2 × 5 = 10. इसको जब करेंगे 3 × 3 = 9 3 × 5 = 15. तो देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुआ, यानी 3/5 इसको भी कैंसिल करके आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो बस आपको इसी तरीके से आपको 3/5, तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसे बोलते हैं. अगर मिक्स फ्रैक्शन में आता तो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आएगा तो पहले क्या करेंगे, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाएंगे. तो पहले इसको क्या करेंगे, 2 × 2 + 1 3/2. अब इसको करेंगे तो इसको देखिए पहले 6/4 ठीक और 9/6 ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है. ठीक है, देखिए 2 × 3 = 6 2 × 2 = 4 3 × 3 = 9 3 × 2 = 6 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसको ही बोलते हैं. ठीक है बच्चों, अगर अब क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ऐड द फॉलोइंग ऑफ द फ्रैक्शन. अब ऐड करने अगर फॉलोइंग फ्रैक्शन उस तरीके करना, तो देखिए 4/13 6/13 लिया, बेस सेम है इसलिए उसका एलसीएम लेंगे तो 13 ही आएगा. अगर अलग अलग होता तो अलग अलग आता. ठीक है, तो 13 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा. इसके बाद फिर 13 का जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 1 आएगा. 1 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4. 13 का ऐसे यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1. 13 देखिए जब यहाँ पे करेंगे 13 × 13 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 ही तो आएगा. और 1 नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और ऊपर वाले से जो आता है उससे ही मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक, तो 13 से जब करो तो 13 × 13 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा, 1 बचा.
तो वन से जब सिक्स करेंगे तो सिक्स ही आ जाएगा, ठीक। तो फोर प्लस सिक्स कितना है, वन, टेन। तो टेन अपॉन 13, ये आपका आंसर होगी, ठीक है बच्चों। आप क्वेश्चन नंबर फोर में बी और देख लीजिए, जो कि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। तो 10/7, वन होल्स 10/7, तो 10/7 हुआ। इसके बाद फिर इसको करेंगे तो 8 7 1 7 प्लस 1, 8/7। अब देखिए इसमें भी आपका क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आपका 7 ही सेम वही आ जाएगा, ठीक है। तो जब 7 से 7 को करेंगे तो कितना आएगा आपका, 1 आएगा। 1 से 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आ जाएगा, 7 से 7 का करेंगे तो 1, 8। तो इस तरीके से करेंगे तो आप कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे आप तो आपका हो जाएगा 18/7। आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं, यह ऐसे भी आपका राइट है, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर फाइव में सबट्रैक्ट करना है। सबट्रैक्ट में भी सेम आपको वैसे ही मेथड करने हैं जैसे आपको ऐड में करना है। देखिए 6/7 - 3/7 आपके सेम है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 ही आएगा। 7 के जब डिवाइड करेंगे नीचे तो कितना आएगा इसका, 1 आएगा। 1 का जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 7 को इससे डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। क्योंकि 1 आएगा तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 6 में से 3 माइनस के कितना आया, 3। तो 3/7 ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अगर यहाँ पर देखिए, अब इसमें अगर बेस सेम नहीं है, ठीक, यानी कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तब क्या होगा, 7/2 - 2/7। तो इसमें क्या करेंगे, 2 और 7 का दोनों का एलसीएम लेंगे। 2 और 7 का देखिए एलसीएम लिया, तो 2 से करेंगे तो 2 1 2 7 आएगा, 7 से करेंगे तो 1 × 7, तो कितना, 7 2 14, तो कितना आ रहा आपका, 14 आ गया, ठीक। इसके बाद 14 से जब आप करेंगे, 7 2 से डिवाइड करिए 14, तो 2 7 14, 7 है 7 से मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो 7 7 49, ओके। जब इसको 7 से फिर डिवाइड करिए 14 को, तो 7 2 14, यानी 2 आया। फिर 2 को जो बचा उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमिनेटर से, ठीक है। तो करेंगे 2 2 4, ठीक। अब इसको करिए 49 से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 45 अपॉन 14 आया। आप इसको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं, आपका ये भी सही है, ठीक है बच्चों, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस जो बच्चे हुए हैं, जो बता दिए उनको तो करने ही है, ठीक है, और जो बच्चे हुए हैं वो भी आपको कंप्लीट करने हैं फेयर नोटबुक में, ओके। स्टूडेंट हैव अ नाइस डे।